गाइस आज की इस वीडियो में हमारे पास है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च किया गया वीवो Y35 और इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्मार्टफोन की जो भी हिडन फीचर्स है सेटिंग्स है वो सब शेयर करने वाला हूं। जैसे इसमें कॉल रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह है यानी स्लो मोशन हो गया, ऐप हाइड, ऐप लॉक, वाईफाई कॉलिंग वगैरह या फिर एज लाइटिंग वगैरह। तो ये सब अगर आप लोग जानना चाहते हैं डिटेल में तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। बाकी जल्द ही इसका रिव्यू वीडियो भी हमारे चैनल पर आने वाला है तो उसके लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गैजेट्स डिस्कवरी। सो गाइस चलिए सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं होम स्क्रीन सेटिंग्स में। तो जैसे ही हम लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं और यहाँ से हम जो है वॉलपेपर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। UI कलर यहाँ से जो है हम चेंज कर पाएंगे। जैसे अभी मैं पर्पल कलर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो नोटिफिकेशन पैनल है या फिर ये जो कंट्रोल सेंटर है सब जगह UI का ये कलर आ चुका है और सेटिंग्स वगैरह में काफ़ी जगह जो है ये UI का कलर आपका चेंज होने वाला है। इसके अलावा विजिट्स वगैरह यहाँ से आप सेट कर पाओगे और अलग अलग एप्लीकेशन की अलग अलग विजिट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है तो यहाँ से आगे आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में होम स्क्रीन मोड देखने को मिल जाता है जहाँ से हम ड्रॉअर मोड और स्टैंडर्ड मोड जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा राउंडेड कॉर्नर एंड साइज ऑफ आइकन यानी कि आइकन का जो साइज है और जो उनकी शेप है वो यहाँ से हम थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर पाएंगे। इसके अलावा है लॉक लेआउट यानी कि होम स्क्रीन की जो लेआउट है वो यहाँ से लॉक हो जाएगी और कोई भी मिसटच होके वो चेंज नहीं होगी। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से पहले से डिसेबल करना होगा। इसके अलावा गूगल डिस्कवर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे हम राइट की तरफ स्वाइप करते हैं तो ये जो गूगल डिस्कवर आता है तो यहाँ से हम जो है इसे डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स ऐप सजेशन बार, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे ये हॉट गेम्स ऐप्स का जो सेक्शन है यहाँ से आप जो है इसे डिसेबल कर सकते हो परमानेंटली। और नेक्स्ट हम चलते हैं रिसेंट एप्लीकेशन की तरफ। सो यहाँ से जो है आप रिसेंट एप्लीकेशन का प्रीव्यू चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी रिसेंट एप्लीकेशन के आइकन पे टैप करते हो तो कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं बट कुछ में ये लिमिटेशन रहते हैं। जैसे यहाँ पे फ़ोन के एप्लीकेशन में ज़्यादा कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलते बट YouTube पे जैसे ही हम टैप करते तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है और एक साथ दो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आप रन कर सकते हो। जैसे ऊपर YouTube रन हो रहा है और नीचे Google Chrome रन हो रहा है और ऐसे करके आप जो है WhatsApp वगैरह या फिर WhatsApp YouTube, WhatsApp Facebook वगैरह एक साथ चला सकते हो। और साथ ही यहाँ पे आपको एक लॉकडाउन का ऑप्शन और मिल जाता है। लॉकडाउन करने से क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम को लॉकडाउन कर दिया, अब मैं सभी एप्लीकेशन क्लियर कर देता हूँ बट जो क्रोम है वो क्लियर नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, जो टास्क अगर हमने किसी एप्लीकेशन में कोई टास्क स्टार्ट कर रखा है तो वो यहाँ से क्लियर नहीं होगा और बैकग्राउंड में वो रन करता रहेगा। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन को एक्टिवेट करने का एक और शॉर्टकट है। सिंपली जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई है उसे अगर आप स्प्लिट स्क्रीन में चलाना चाहते हो तो 3 फिंगर्स आपको ऊपर की तरफ स्वाइप करने हैं और स्प्लिट स्क्रीन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है। और साथ ही अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो 3 फिंगर्स नीचे की तरफ स्वाइप करनी है और स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। और साथ ही गाइस जैसे अगर आप एक लॉन्ग पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो एक साथ तो आपको क्या करना है, 3 फिंगर्स नीचे की तरफ स्वाइप करने और यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब बस आपको स्क्रॉल करते जाना है जहाँ तक आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो और उसके बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो है ले लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं फ़ोन के डायलर की तरफ। तो यहाँ पे स्मार्टफोन में हमें गूगल डायलर का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब कोई भी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी बट यहाँ पे आपको जो है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप कॉल वगैरह करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बट उसमें क्या है, कॉलर को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आप उनकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसे भी डिसेबल करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इस टाइप के जो टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस रहते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। तो यहाँ कहाँ पे आपको जो है इंस्टाग्राम हैंडल का अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर हम चले इसके सेटिंग्स की तरफ तो यहाँ से आप जो है नंबर्स वगैरह ब्लॉक कर पाओगे ब्लॉक नंबर में आके और अनब्लॉक भी कर सकते हो। और फ्लिप टू साइलेंस का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे कॉल वगैरह आ रही है और आप फ़ोन को फ्लिप कर देते हो तो कॉल साइलेंट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्मार्टफोन के गैलरी की तरफ। सो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम किसी भी फ़ोटो वगैरह को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ से आप किसी भी फ़ोटो को वॉलपेपर पे सेट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट की फ़ोटो पे सेट कर सकते हो, एज ए PDF जनरेट कर सकते हो, एज ए डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं और एक बहुत ही बेटर ऑप्शन मिलता है। काफ़ी बार क्या होता है गाइस, हम बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो उनमें से कुछ फ़ोटोज़ ही हमें अच्छे लगते हैं तो हमें उन्हें बार बार ढूंढना पड़ता है गैलरी में आगे, बट यहाँ पे आपको एक हर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप
जो भी आपको फ़ोटो बेटर लगे, वीडियो बेटर लगे, उसे आप फेवरेट कर सकते हैं और बार बार आगे आपको उसे गैलरी में ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, फेवरेट का एक अलग से सेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको वो फ़ोटो वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे आप मल्टीपल फ़ोटो सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे थ्री डॉट पे जाओगे तो आप इनका जो कोलाज है वो क्रिएट कर सकते हो और काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आपको जो है कोलाज क्रिएट करने के मिल जाते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बाद आप और भी जो कोलाज है यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, तो काफ़ी सही फीचर ये मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम गैलरी की सेटिंग्स में चलें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिसाइकल बिन को डिसेबल करने का, स्क्रीन स्टेज ऑन व्हेन व्यूइंग इमेजेस, जब तक आप फोटोज़ को देखते रहोगे तो डिस्प्ले जो है बंद नहीं होगी, और रोटेट ऑटोमेटिकली, चाहे यहाँ से जो ये ऑटो रोटेट है डिसेबल रहे बट अगर आपने ये फीचर इनेबल किया हुआ है तो क्या होगा, आप फोटो वगैरह अगर देखते हो और फ़ोन को रोटेट कर दो तब भी फ़ोन जो है रोटेट होने वाला है। और चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ। सो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़ मिल जाते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लेने के, हॉटस्पॉट इनेबल करने के, स्प्लिट स्क्रीन, अल्ट्रा गेम मोड, स्मार्ट मिररिंग भी यहाँ पे है, वीवो शेयर, नियर बाय शेयर, QR कोड वगैरह स्कैन करने के लिए, तो यहाँ से ये सब हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एडिट के आइकन पे टैप करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कीज़ यहाँ पे हमें हाइड मिल जाते हैं, जैसे मिनी स्क्रीन, डाटा सेवर, फोकस मोड वगैरह। तो यहाँ पे जैसे इनको अगर आप अरेंज करना चाहते हो अच्छे से तो जो आप सबसे कम यूज़ करते हो या फिर यूज़ नहीं करते सिंपली उन्हें उठा के नीचे हाइड कर सकते हो, और जिनको आप ज़्यादा यूज़ करते हो उनको भी लॉन्ग टैप करके आगे पीछे कर सकते हो, तो ऐसे आप इन्हें अरेंज कर पाओगे। और इसके अलावा यहाँ पे गाइज आपको एक प्रोफाइल का आइकन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जैसे ही आप टैप करते हो तो यहाँ पे आपको ओनर अकाउंट देखने को मिलता है, गेस्ट अकाउंट और ऐड यूज़र। सो यहाँ से अगर आपका फ़ोन कोई पर्टिकुलर बेसिस पे जैसे घर में ही रेगुलरली यूज़ करता है तो अलग से एक यूज़र क्रिएट कर सकते हो ताकि उसका डाटा और आपका डाटा बिल्कुल अलग रहे, दोनों अपने अपने यूज़र यूज़ करो जब भी फ़ोन आपके पास हो। इसके अलावा जैसे कभी कभार आपसे कोई फ़ोन मांगता है और आप चाहते हो कि आपका कोई भी डाटा जो है वो ना देख सके, कुछ भी चीज़ उसके साथ शेयर ना हो, तो आप ऐड गेस्ट अकाउंट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, फ़ोन जैसे आपने नया लिया था बिल्कुल वैसी फ्रेश कंडीशन में स्विच हो जाएगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं गेस्ट अकाउंट जो है एक्टिवेट हो चुका है, अब फ़ोन जैसा बिल्कुल नया था वैसा होने वाला है, कोई भी गैलरी में फ़ोटोज़ वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी डाटा यहाँ पर शेयर नहीं होगा। और सिंपली अगर आप गेस्ट अकाउंट को हटाना चाहते हो तो यहाँ पर रिमूव गेस्ट अकाउंट, आपका फ़ोन जो है बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, तो बहुत ही सही फीचर ये मिल जाता है प्राइवेसी के लिए। और चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कैमरा सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में नाइट मोड देखने को मिल जाता है, नाइट मोड में यहाँ से हम जूम भी कर पाएंगे, साथ ही अलग अलग स्टाइल इफेक्ट यहाँ पे हमें नाइट मोड में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट मोड में भी अलग अलग स्टाइल इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही यहाँ से ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ये ब्यूटिफिकेशन मोड, यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो या फिर उसकी सेटिंग्स यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे फेस कितना स्लिम होना चाहिए, आईज वगैरह, ये सब आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। साथ ही ये एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से जो बैकग्राउंड का ब्लर इफेक्ट है वो कितना कम ज़्यादा हो वो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे, और अलग अलग पोर्ट्रेट इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही फ़ोटो वाले सेक्शन में चले तो यहाँ से AI मोड जो है आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, इसमें क्या है कलर्स वगैरह की थोड़ा आपको एनहेंसमेंट देखने को मिल जाती है AI मोड में, साथ ही यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और गूगल लेंस का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है, गूगल लेंस से काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे इसी फ़ोटो से आपको टेक्स्ट वगैरह कॉपी करना है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना है तो वो सब आप कर सकते हो इजीली, और मैक्रो शॉट यहाँ से ले सकते हो, यानी कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे मैक्रो मोड मिल जाता है। इसके अलावा वीडियो सेक्शन में अगर हम चलें तो यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप इसे इनेबल करके काफ़ी स्टेबलाइज वीडियो शूट कर सकते हो, साथ ही यहाँ से जो फ्रेम रेट है वीडियो का वो चेंज कर सकते हो 60 FPS मैक्सिमम और 1080p, और 1080p के साथ आप 30 FPS पे ही शूट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्यूटिफिकेशन मोड वीडियो मोड में भी मिल जाता है, साथ ही कुछ फिल्टर्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। मोर के ऑप्शन में चले तो यहाँ पे 50 MP में अलग से फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है, थोड़ा क्लियर फोटो मिल जाएगी आपको HD क्वालिटी की, पैनो मोड है, लाइव फोटो है, स्लो मोशन भी आपको फ़ोन में मिल जाएगा, टाइम लैप्स प्रो मोड, डॉक्यूमेंट मोड और डबल एक्सपोजर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स पे टाइप करते हैं तो यहाँ से आप जो फ़ोटोज़ का रेशो है वो चेंज कर सकते हो, टाइमर यहाँ पे मिल जाता है और फ्रेमिंग लाइन लेवल्स वगैरह, वाटरमार्क यहाँ पे दिया गया है, जैसे टाइम वाटरमार्क, मॉडल वाटरमार्क सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा वीडियो में जाने के बाद अगर हम सेटिंग्स में चलें तो यहाँ पे सिर्फ फ्रेमिंग लाइन और लेवल्स मिल जाते हैं, मोर सेटिंग में हम चलें
तो यहाँ पे मिरर सेल्फी का ऑप्शन मिल जाता है, और शटर साउंड यहाँ पे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। कैमरा में अगर आप एक साथ बहुत सारे फोटोज़ क्लिक करना चाहते हो, ब्रश शॉट जिसे हम बोलते हैं, तो सिंपली आपको ये जो बटन है इसे टच एंड होल्ड करके रखना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रश शॉट जो है लिए जा रहे हैं। मैक्सिमम 20 शॉट्स आप एक साथ ले सकते हो, और यहाँ पे अब आप देख पाओगे 20 फोटोज़ एक साथ क्लिक हो चुके हैं। और चलिए फाइनली हम चलते हैं फ़ोन के मेन सेटिंग्स की तरफ, और नीचे से स्टार्ट करेंगे अबाउट फ़ोन में, और यहाँ पे अगर हम चलते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में और बिल्ड नंबर पे 4 से 5 बार टैप करते हैं तो डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो जाता है। और यहाँ पे सिस्टम में आने के बाद आपको सबसे नीचे डेवलपर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और गाइस यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आप डेवलपर ऑप्शन में कर सकते हो, इसका एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा चैनल पर। तो आप यहाँ पे अगर कोई भी सेटिंग्स चेंज करो तो उससे पहले आप एक बार वो चेकआउट ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी नॉलेज वहाँ पर आपको मिल जाएगी और कोई सेटिंग्स में भी गड़बड़ नहीं होगी। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं सिस्टम सेटिंग्स में। तो सबसे फर्स्ट में सिस्टम नेविगेशन, यहाँ से हम जेस्चर सिस्टम जो है यूज़ कर सकते हैं नेविगेशन की, आप यहाँ पे देख सकते हो जा चुके हैं। और यहाँ से बैक चले तो यहाँ पे ही नीचे रिसेट ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम जो है, काफ़ी बार क्या होता है हमारे वाईफाई में, मोबाइल डाटा में, ब्लूटूथ में, या फिर किसी एप्लीकेशन में कोई सेटिंग्स चेंज हो जाती है और वो ठीक नहीं हो पाती, तो यहाँ से हम उन्हें पर्टिकुलरली रीसेट कर सकते हैं और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। फ़ोन को रीसेट करना चाहे कम्प्लीटली तो फैक्ट्री रीसेट का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, मल्टीपल यूज़र यहाँ पे मिल जाता है जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और डेवलपर ऑप्शन यहाँ। और नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में। तो सबसे फर्स्ट में है स्क्रीन कैप्चर, तो स्क्रीनशॉट के बारे में आपको पूरी डिटेल दे चुका हूँ। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग की यहाँ से आप जो है सेटिंग कर सकते हो। रिकॉर्ड साउंड में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे सिस्टम ऑडियो और माइक्रोफोन साउंड जो हम बोल रहे हैं वहाँ से वो सब रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपको इनेबल कर लेना है। साथ ही पिक्चर क्वालिटी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, डिसेबल नोटिफिकेशन वाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सब सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। और यहाँ से बैक चलते हैं तो नेक्स्ट है स्मार्ट स्प्लिट, यानी स्प्लिट स्क्रीन, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। फिर है स्मार्ट मोशन, तो इसमें सबसे फर्स्ट में है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, रेस टू वेक यहाँ पे आपको मिल जाता है, डबल टैप टू लाइट यानी कि डिस्प्ले लाइट अप हो जाएगी डबल टैप करने पे, डबल टैप टू टर्न ऑफ, किसी ब्लैंक एरिया पे आप डबल टैप करते हो तो डिस्प्ले बंद हो जाएगी। स्मार्ट वेक में हम चलते हैं तो जैसे फ़ोन की डिस्प्ले बंद है और आप लॉक स्क्रीन पे ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो तो अनलॉक हो जाएगा, या फिर आप नीचे की तरफ स्वाइप करते हो तो कैमरा ओपन हो जाएगा, एम ड्रॉ करते हो तो म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाएगा। तो ये सब आप जेस्चर सिस्टम की हेल्प से कर सकते हो डिस्प्ले बंद रहने पर। शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, जैसे फ़ोन की डिस्प्ले बंद है और आप फ़ोन को शेक करते हो तो जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट है क्विक एक्शन, और जैसे आपकी डिस्प्ले बंद है फ़ोन की और आप वॉल्यूम डाउन को कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस रखते हो तो फ्लैश लाइट इनेबल होनी चाहिए, ऑडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए, कैमरा ओपन होना चाहिए, ये आप पर्टिकुलरली सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में हम चलें तो यहाँ पर अगर आप पावर बटन को दबा के रखते हो कुछ सेकेंड्स तक तो जो इमरजेंसी मेन्यू है या फिर पावर मेन्यू है वो ओपन होनी चाहिए, या फिर गूगल असिस्टेंट लॉन्च होना चाहिए, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इजी टच यहाँ पे हमें नेक्स्ट मिल जाता है, एक असिस्टिव बोल यहाँ पे फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाती है और ये हाइड भी हो जाती है साइड में बिल्कुल। बहुत सारे यहाँ से हम शॉर्टकट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं टैप करता हूँ तो स्क्रीन शॉट यहाँ से ले सकता हूँ, कैलकुलेटर ओपन कर सकता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, फ्लैश लाइट वगैरह, और यहाँ पर मैं किसी भी एप्लीकेशन को जो है ऐड रख सकता हूँ जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी सही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसे एज ए टैप मेन्यू भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे डबल टैप करेंगे तो क्या होगा, सिंगल टैप करेंगे तो क्या होगा, तो वो सब सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी इसकी विजिबिलिटी वगैरह भी यहाँ से आप कंट्रोल कर पाओगे। और यहाँ से बैक चलते हैं, नेक्स्ट है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, यानी कि वीडियो कॉलिंग के वक्त भी फेस ब्यूटिफिकेशन इनेबल हो जाएगा। व्हाट्सएप वगैरह, मैसेंजर वगैरह आप इंस्टॉल करोगे तब वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्लैश नोटिफिकेशन, जब भी आपके पास कॉल वगैरह आएगी तो जो कैमरा फ्लैश है वो ब्लिंक करने लग जाएगा। 100 मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो अभी आप देख रहे कुछ इस टाइप का जेस्चर, आप जैसे ही ड्रॉ करोगे तो फ़ोन जो है 100 मोड में आ जाएगा। तो एक हाथ से फ़ोन को यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है बहुत सी कंडीशन में। एक्सेसिबिलिटी में हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफ़ी बार क्या होता है, जैसे हम डिस्प्ले की ब्राइटनेस बिल्कुल कम कर लेते हैं फिर भी हमें लगता है कि इससे और कम होनी चाहिए रात के टाइम में, तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा डिम का यूज़ कर सकते हैं।
और नेक्स्ट अल्ट्रा गेम मोड में हम चलते हैं। तो गाइस अल्ट्रा गेम मोड में क्या है, जैसे आप कोई भी गेम वगैरह इंस्टॉल करते हो, प्ले करते हो फ़ोन में, तो एक साइड बार जो है आपको गेम में मिल जाएगा और उस साइड बार से आप काफ़ी कुछ सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे 4D गेम वाइब्रेशन इनेबल डिसेबल करना, गेम में साउंड क्वालिटी और अलग अलग साउंड इफेक्ट जो है यूज़ करना, जैसे आप गेम में कुछ भी बोलते हो तो उसकी साउंड चेंज कर देना, और इसके अलावा फ्रेम रेट वगैरह और नोटिफिकेशन वगैरह को ब्लॉक करना, तो ये सब आप जो है अल्ट्रा गेम मोड में आके सेट कर सकते हो। और इसके अलावा हम चले प्राइवेसी में, तो यहाँ पे परमिशन मैनेजर देखने को मिल जाता है। यहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे कैमरा की कॉन्टैक्ट लोकेशन, माइक्रोफोन के परमिशन किस किस ऐप ने ली हुई है, और अननेसेसरी किसी ने ली हुई है तो हम उसे डिनाई कर सकते हैं। अगर गाइज आप लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन नहीं चाहते तो यहाँ से आप जो है बिल्कुल डिसेबल कर सकते हो, कोई भी नोटिफिकेशन आपको लॉक स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। और इसके अलावा रिसेंट ऐप प्रीव्यू में क्या है, जैसे अभी मैंने रिसेंट एप्लीकेशन ओपन की तो यहाँ पे सब कुछ क्लियरली विजिबल है, बट यहाँ से अगर आप चाहते हो रिसेंट ऐप प्रीव्यू जो है ब्लर हो जाए, जैसे आप एल्बम वगैरह ओपन करते हो तो अभी क्या है यहाँ पे आप देख पाओगे, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो एल्बम का प्रीव्यू ब्लर हो चुका है, कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो ऐसे आप किसी भी एक पर्टिकुलर रिसेंट ऐप का प्रीव्यू ब्लर कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक वगैरह देखने को मिल जाता है। प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन यानी कि एप्लीकेशन वगैरह पे भी आप यहाँ से लॉक लगा सकते हो। और सबसे एंड में है ऐप पिनिंग, इसे अगर आप इनेबल करते हो तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने इसे इनेबल किया, रिसेंट ऐप ओपन किए, तो यहाँ पे पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैंने यहाँ से सेटिंग्स को पिन कर दिया। तो ये कैसे यूज़ होता है, जैसे बहुत बार होता है कि कोई हमारे फ़ोन से एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहता है तो हम उसे ऐप वो जो है पिन करके दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सेटिंग्स को पिन कर दिया, अब यहाँ से मैं बाहर आना चाहूँगा तो नहीं आ सकता, तो ये प्राइवेसी के लिए बहुत सही है। आप लोग उससे बाहर आना चाहते हो ऐप पिन से, तो रिसेंट की को और बैक की को कुछ सेकंड के लिए प्रेस रखना है और ऐप जो है अनपिन हो जाएगा। और इससे नेक्स्ट चलते हैं रैम एंड स्टोरेज स्पेस में, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में रैम एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है, 8GB तक जो है आप रैम एक्सटेंड कर सकते हो। बट ये फीचर आप तभी यूज़ कीजिएगा जब आप फ़ोन को थोड़ा हैवीली यूज़ करते हो, क्योंकि अगर आप इसे वैसे ही यूज़ करोगे तो 8GB की जो स्टोरेज है वो आपकी पहले ही ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो अपने हिसाब से आप इसे यूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको फ़ोन स्टोरेज का क्लियर व्यू देखने को मिल जाता है, जैसे इमेजेस, ऑडियोज़, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह कितने स्पेस में आए हुए हैं, तो यहाँ से आप उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। और इससे नेक्स्ट हम चलते हैं नोटिफिकेशन सेटिंग्स में, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिलती है, इसे अगर हम इनेबल करते हैं तो यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आएगा अगर हम उसे क्लियर करेंगे तो यहाँ पे वो हिस्ट्री में रह जाएगा, तो यहाँ से आके हम उसे चेकआउट कर पाएंगे। इसके अलावा वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, जैसे फ़ोन की डिस्प्ले बंद है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो डिस्प्ले लाइट अप हो जाती है, बहुत ही सही लगता है ये देखने में। यहाँ से बैक चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं ऐप्स में, सो यहाँ से हमें जो भी एप्लीकेशन हमने फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है सारी देखने को मिल जाती है टोटली, और उनके बारे में अगर हम कोई पर्टिकुलर सेटिंग करना चाहें, जैसे उनकी परमिशन चेक करना चाहें, उनकी स्टोरेज, मोबाइल डाटा कितना यूज़ किया है, स्क्रीन टाइम, बैटरी वगैरह, तो यहाँ से सब आके हम चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप क्लोन यहाँ पे हमें मिल जाता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, स्नैपचैट की क्लोनिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट ऐप्स भी यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी बार क्या होता है जैसे दो एप्लीकेशन हमने फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है उनमें से एक डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है, तो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को यहाँ पे आके हम चेंज कर पाएंगे। और नेक्स्ट डायनेमिक इफेक्ट्स में हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमें एम्बिएंट लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है, तो जैसे हमारे पास कॉल वगैरह आएगी तो कुछ इस टाइप का इफेक्ट जो आपको उस डिस्प्ले के चारों तरफ देखने को मिलेगा, तो ये बहुत ही कूल लगता है देखने में। और नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे तब भी कुछ इस टाइप की लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा होम स्क्रीन में एंटर करने का एनिमेशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, फेशियल रिकॉग्निशन एनिमेशन यहाँ पे दिया गया है, चार्जिंग एनिमेशन यहाँ से आप चेंज कर पाओगे, USB इंसर्ट एनिमेशन और स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, तो काफ़ी सही और कूल ये कुछ डायनेमिक इफेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा चलते हैं लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में, तो यहाँ से आप थीम्स, वॉलपेपर, UI कलर वगैरह जो है चेंज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन सेटिंग में चले तो लॉक स्क्रीन पोस्टर यहाँ पे मिल जाता है, और लॉक स्क्रीन पोस्टर को अगर आप अलाउ करते हो तो जो डिस्प्ले की वॉलपेपर है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। और लॉक स्क्रीन पोस्टर में आपको टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है, जैसे किस किस टाइप के वॉलपेपर आपके डिस्प्ले पे लॉक स्क्रीन पे आते रहेंगे, जैसे साइंस के, मूवी के, ऑटोमोबाइल के, तो जो भी आपको सब्सक्रिप्शन अच्छे लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हो सिर्फ। इसके अलावा वॉलपेपर बीइंग यूज
जो जो वॉलपेपर आएंगे लॉक स्क्रीन पे वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और ऐड लोकल वॉलपेपर्स आप गैलरी से भी जो है लोकल वॉलपेपर ऐड कर सकते हो जो कि लॉक स्क्रीन पे कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ से हम बैक चलते हैं तो ऑटो अपडेट वॉलपेपर्स आप इनेबल कर लीजिएगा, मोबाइल डाटा से भी जो वॉलपेपर्स हैं अपडेट होते रहेंगे। और लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में ही आपको नीचे की तरफ ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर हाउस एड्रेस वगैरह ऐड करके रख सकते हैं जो कि लॉक स्क्रीन पे शो होता रहता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आ सकता है ये आप लोगों के। इसके अलावा सिंपल मोड यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो यहाँ पे आप आई प्रोटेक्शन मोड डार्क थीम वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन टाइम आउट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 30 मिनट्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा स्क्रीन कलर्स वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, और फ़ॉन्ट डिस्प्ले एंड साइज़, जैसे अभी मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ और डिस्प्ले का साइज़ बड़ा किया हुआ है क्योंकि आप लोगों को देखने में इशू ना हो, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट और डिस्प्ले साइज़ एडजस्ट कर सकते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से आप जो है नए नए डाउनलोड कर पाओगे इंटरनेट की हेल्प से और लगा सकते हो फ़ोन पे। स्टेटस बार में चले तो यहाँ पे जो इंटरनेट की स्पीड है और बैटरी परसेंटेज है वो यहाँ पे आपकी शो होने लग जाएगी। स्क्रीन रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ में स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट स्मार्ट स्विच पे आप रखिएगा क्योंकि फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच कर लेता है 90 और 60 हर्ट्ज़ में जब ज़रूरत होती है। नेक्स्ट चलते हैं ब्लूटूथ एंड डिवाइस में, सो यहाँ पे स्मार्ट मिररिंग हमें देखने को मिल जाता है, हम अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है एंड्रॉयड डिवाइस के साथ शेयर कर सकते हैं दूसरे, जैसे एंड्रॉयड LED वगैरह। OTG का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, OTG केबल के थ्रू हम पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करना चाहें तो पहले इस OTG के ऑप्शन को इनेबल करना होगा, और जो फिज़िकल माउस होता है कीबोर्ड होता है जो हम कंप्यूटर में लैपटॉप में यूज़ करते हैं वो भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और नियर बाय शेयर एंड्रॉयड ऑटो वगैरह क्रोमबुक यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट में चलें तो यहाँ पे हम चलते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट में। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इंटरनेट वो कैसे बंद करें, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है वाईफाई में और मोबाइल डाटा में आप किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का डाटा बंद रख सकते हो, बहुत इजी है, बस यहाँ से आपको उससे डिसेबल कर देना है। बाकी गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ़ोन में कोई भी ऐप हाइड करने का ऑप्शन या फीचर मुझे नहीं मिला, इसके अलावा वाईफाई कूलिंग भी इसमें नहीं दिया गया है, बाकी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। सो गाइस वीवो Y35 में बहुत सारे आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, बट मैं आपको बता दूँ जैसे कि आप बहुत सारे सेटिंग्स ऐसे होते हैं जो थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें क्या होता है जो बैटरी है वो भी वो एप्लीकेशन कंज्यूम करती है बैकग्राउंड में, हमारा इंटरनेट भी कंज्यूम करती है, और हमारे फ़ोन के प्राइवेसी के लिए हमारे डाटा की प्राइवेसी के लिए भी सेफ नहीं रहती। तो जो सेटिंग्स या फिर फीचर्स फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड दिए गए हैं उन्हें अगर आप यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहने वाला है। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो वीवो Y35 के फीचर्स सेटिंग्स वगैरह को लेकर, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है या फिर ओपिनियन है वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।